सुबह के डिविजन एक्स अपडेट्स एंड आज की वीडियो के लिए भी यार मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ पड़ी हुई है। सो वीडियो में तक बने रहना। हमारे 44,000 सब्सक्राइबर्स होने के लिए कुछ 50 सब्सक्राइबर रहते हैं, ओनली 50 सब्सक्राइबर रहते हैं, तो होप करते हैं इस वीडियो के बाद हो जाएगी। एंड अब बात कर लेते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। सो हमारी फर्स्ट न्यूज़ आ रही है जोनाथन और मावी को लेकर के। तो देखो भाई, जोनाथन की स्ट्रीम पे एक बंदा मावी के अकाउंट से जोनाथन को 100 रुपये की सुपर चैट करता है। बेसिकली वो फेक अकाउंट था, बस उस बंदे ने मावी के जो लोगो होता है और जो मावी का चैनल नेम होता है वो डिट्टो रख लिया था, जिससे कि मतलब वो बार बार से बिल्कुल मावी का अकाउंट लग रहा था, बट वो फेक अकाउंट था। एंड उस बंदे ने 100 रुपये की ये वाली सुपर चैट करी थी। एंड इस चीज़ के ऊपर फिर जोनाथन ने भी रिएक्ट किया था। एंड फिर बाद में फिर मावी ने अपनी लाइव स्ट्रीम पर भी इस चीज़ पर रिप्लाई किया था कि उन्होंने जोनाथन को सुपर चैट करी थी या नहीं करी। तो वो दोनों के रिएक्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। मवी चैट मिस, मवी मवी गाइस अगर चैट में आए वो 100-200 नहीं देगा, ठीक है, वो देगा 1000 के ऊपर तो है, ठीक है। तो स्कैम जो भी आया मवी स्कैम है चैट में। गुप्ता थैंक यू 20 डिड यू सुपर चैट जोनाथन यस्टरडे? नहीं, स्लाइड डबल मेरे मॉड ने मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेजा, वो फेक सुपर चैट था किसी की तरफ से, वो मेरे पास अभी भी सुपर चैट पड़ा है। एंड जॉनी को बात करने के लिए मेरे को सुपर चैट करने की जरूरत नहीं है, मैं पर्सनल में बोल दूंगा सुपर चैट करना, वो भी कर दूंगा। बट मैं 100 रुपये का सुपर चैट, हाँ बट मैं करता छोटा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं करता मैं। अब बात करते हमारी नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर के, जो कि अरे केतन को लेकर के। तो केतन आज अपने चैनल पर लाइव आए थे एंड उन्होंने कुछ चीज़ों का आंसर दिया था एंड वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे आज अपने चैनल पर। फर्स्ट चीज़ तो ये थी कि जो उनके एलीट कस्टम्स होते थे उनके चैनल पर, जो उनके एलीट कस्टम्स की लाइव स्ट्रीम्स होती थी, वो अब क्यों नहीं हो रही, केतन ने इस चीज़ का आंसर दिया था। एंड सेकेंड उस चीज़ का आंसर दिया था कि जो उनकी स्मोकिंग एक्सपोज वाली वीडियोज़ बहुत सारे लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं, जहाँ पर मतलब बहुत सारे हाईलाइट चैनल्स ये चीज़ दिखा रहे हैं कि केतन के हाथ में एक सिगरेट का बॉक्स है, ऐसी आपको बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी यूट्यूब पर। केतन ने उन वीडियोस को भी रिप्लाई किया था वो स्मोकिंग एक्सपोज वाली वीडियोस पर। तो केतन ने क्या कहा वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इलीट कस्टम्स का भाई देखो, कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स, अब मैं सही बताऊं तो स्क्रिम्स का ना वो कल्चर जो एक था ना पहले, वो खत्म हो चुका है। कोई भी स्क्रिम्स या प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं करता जितनी पहले लोग करते थे ना, अब वो सब खत्म हो चुका है। तो अब वो ना स्क्रिम्स देखने वालों को भी पता नहीं मेरी ख्याल से वाइब आती है नहीं आती, बट हाँ एज अ कास्टर मेरे को तो वाइब आती है कि वो प्रैक्टिस जस्ट जो पहले लोग करते थे ना सीरियसनेस के साथ, वो खत्म हो चुका है। एंड गाइस आप में से जितने लोग ने ये फालतू वाली एक जो वीडियो एक बंदे ने बनाई है यूट्यूब पर डाल के कि स्मोकिंग वाला जो एक है, इसका हाईलाइट प्लीज़ बना देना अगर आप बना सकते हो, क्योंकि आई वॉन्ट टू एड्रेस बोथ ऑफ देम जो भी इंटरनेट में चल रहा है। एक वो पैक वाला करके डाल रहे हैं, आई एम सीरियसली गेटिंग सुपर इरिटेटेड काइंड ऑफ कि लोग कुछ ढंग की चीज़ वैसे भी नहीं डालते हाईलाइट्स चैनल से। तो मतलब मेरे को तो इंडिया में जितने भी हाईलाइट्स चैनल है कि उनसे तो बिल्कुल ही अलग ही लेवल का वो है, कुछ ढंग का ही नहीं डालते भाई, कुछ मतलब ही नहीं होता। और उसका मैं बताता हूँ वो क्या है कि जब मैंने व्लॉग करा था उस टाइम पे किचन के साइड वाले एरिया में, वहाँ पे आपने देखा था प्लेट वगैरह पड़ी थी, वी वर व्लॉगिंग में और मामा, तो जैसे हम लोग नीचे गए तो मामा व्लॉग कर रहा था, तो आई जस्ट टुक दैट पैकेट फ्रॉम हिम, तो मेरा नहीं था वो। आप लोग और कुछ लोग तो बोल रहे डायरेक्टली, मतलब मैं ये भी होगी हाँ पकड़ कर रहा हूँ, आई डोंट सिंपल मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। दैट वॉज नॉट माई पैक जो आप लोग समझ रहे हो, आई वॉन्ट टू एड्रेस दैट सेट, क्योंकि मैं पर्सनली घर वाले देखे ये सब मेरे को नहीं पसंद है यार। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐप के बारे में जिसका नाम है विनोमो, जहाँ पे आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। विनोमो की खास बात यह है कि विनोमो आपको iOS के ऐप स्टोर पर और एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर दोनों जगह अवेलेबल देखने को मिलता है, यानी कि ये जो ऐप है वो पूरी तरह से लीगल है। विनोमो में आप मल्टीपल एसेट्स लाइक गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड और यहाँ तक कि मल्टीपल करेंसीज लाइक USD एंड EUR एक्सेट्रा में भी ट्रेड कर सकते हो। इसमें आपको ग्राफ की फॉरकास्टिंग करनी होती है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यानी कि अगर मेरे को लग रहा है कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ने वाली है तो मैंने 700 लगा कर यहाँ पे अप कर दिया है एंड ग्राफ ऊपर जा रहा है एंड जो मेरा फॉरकास्ट है वो सही हो गया है। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपका फॉरकास्ट गलत हो जाता है तो यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग लॉस भी हो सकता है। एंड आप यहाँ पे अपना अमाउंट इजीली थ्रू पेटीएम एंड अपने बैंक अकाउंट के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो मिनिमम डिपॉजिट होता है वो 350 रुपीज़ का होता है, बट अगर आप मेरा प्रोमो कोड डाल देते हो तो आपको 350 रुपीज़ के 700 रुपीज़ मिल जाएंगे। एंड अगर आप जो ऐप है वो मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे आपको 65,000 रुपीज़ का डेमो अकाउंट प्रैक्टिस करने के लिए फ्री में मिल जाता है। सो डू डाउनलोड द ऐप नाउ, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन।
एंड अब बात करें तुम्हारी नेक्स्ट न्यूज को लेकर कर जो कि यार ये वीरू को लेकर के, तो वीरू ने ज्वाइन कर लिया ऑफिशियली 8-bit को। एंड वीरू ने ये जो चीज थी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताई थी, जहाँ पर उन्होंने ऑफिशियल 8-bit का जो लाइनअप था फॉर BGIS वो भी बता दिया था एंड उसको भी रिवील कर दिया था। तो वीरू ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली और उन्होंने लिखा BGIS लाइनअप इज 8-bit वीरू, 8-bit अक्षु, 8-bit अक्षत एंड 8-bit ओमेगा। एंड उन्होंने नीचे एक और चीज लिखी, वेल एनी गुड कम बैक नीड सम ट्रू बिलीवर्स। एंड उन्होंने नीचे बूम बाम भी लिखा। एंड मैं आपको एक चीज बता दूँ, वीरू ने अभी 8-bit को ज्वाइन किया है, सो दैट मींस कि वीरू ने SA Duel को भी ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि जो SA Duel में जो 8 होता है वो 8-bit का ही होता है। और अगर कोई भी बंदा 8-bit को ज्वाइन करता है तो इसका सिंपल मतलब यही है कि वो बंदा SA Duel में भी है, लाइक 8-bit मामबा SA Duel में है। तो अभी जो 8-bit वीरू है वो भी अभी SA Duel में होने वाले है। सो सिंपल सी बात यही है कि वीरू ने SA Duel को भी ज्वाइन कर लिया है और वीरू ने 8-bit को भी ज्वाइन कर लिया है और उनका जो BGIS लाइनअप होने वाला है वो भी अनाउंस हो चुका है। और बात करते हैं नेक्स्ट चीज को लेकर जो कि अरे अमन को लेकर के, तो मावी से जब उनकी स्ट्रीम पर पूछा जाता है कि भाई अमन को CES से चुरा लो और सोल में ले आओ, तो मावी इसका क्या रिप्लाई देते हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड जो मावी का जो रिप्लाई होता है उससे लोगों को लग रहा है कि अमन टीम सोल को ज्वाइन कर सकते हैं, बट इस चीज को लेकर यह अमन ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि वो टीम सोल को ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, बट स्टिल आप मावी का क्लिप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। भाई अमन चोरी कर ले CES से, उसको चोरी करने की जरूरत है क्या, ऑलरेडी चोरी हुआ है। ओ लीक्स और व्हाट, आज टॉप 10 स्टैंड आप चाहे आप। एंड बात करें तुम्हारी नेक्स्ट चीज को लेकर कर चुकी है जॉनथन को लेकर के, तो जॉनथन जब अपनी स्ट्रीम कर रहे थे एंड जब वो क्लासिक वगैरह खेल रहे थे एंड जो उनके अपोजिट में प्लेयर्स होते हैं जब उनको मार देते हैं तो वो फालतू में जॉनथन को अब्यूज वगैरह करने लग जाते हैं एंड गालियां देने लग जाते हैं ऑन स्ट्रीम, तो इस चीज पर फिर जॉनथन ने भी रिएक्ट किया था, तो वो वाली क्लिप भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। नो अबे यार भाई उधर ही था एक बंदा एफ। जोनाथन क्या हो गया, हेलो जोनाथन क्या हो गया भाई, जोनाथन क्या हो गया, नेड करेंगे मादरचोद, तेरा फैन कल आउड़े, निकल जाओ मादरचोद निकल, बाकी चोद निकल, बाकी चोद निकल, हे निकल मादरचोद निकल, फैन कल आउड़े निकल तू निकल। खतरनाक बंदे रे भाई, थोड़ा ट्रेनिंग कर ले ट्रेनिंग राउंड में। अरे तुम्हारे कुछ मत बोल भाई, तू मर गया भाई, थोड़ा ट्रेनिंग गॉड्स को मार भाई, हमारे टीममेट ने मारा है होने वाला है वो डेविड जैक्सन, उसका वॉइस ओवर करने वाले GTA 6 में, यानी कि सिंपली मैं आपको बोलूँ तो डेविड जैक्सन अपनी आवाज देने वाले हैं उस GTA 6 के कैरेक्टर को। एंड ये जो चीज थी वो डेविड जैक्सन ने अपने फेसबुक के पोस्ट पर बताई थी, बट कुछ ही घंटों में ये जो फेसबुक का पोस्ट उन्होंने डिलीट कर लिया था। एंड देन इसके बाद एक और फेसबुक का पोस्ट किया था एंड वहां पे एक और चीज बताई थी कि जो GTA 6 का ट्रेलर होने वाला है वो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जल्दी देखने को मिलने वाला है एंड इससे अपनी पूरी कम्युनिटी शॉक हो गई थी। बट मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये चीज पॉसिबल है कि आपको GTA 6 का जो ट्रेलर है वो विद इन 1 ईयर देखने को मिल जाए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो भाई GTA 5 का जो ट्रेलर था वो आया था कुछ 2011 में, बट जो ऑफिशियल गेम लॉन्च हुई थी वो आई थी 2013 में, यानी जो गेम लॉन्च और ट्रेलर का जो बीच का टाइम था उसी में कुछ 2 साल लग गए थे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, GTA 5 जब PC में आया था वो आया था 2015 में, यानी ये एटलीस्ट 4 साल लग गए फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ट्रेलर। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको शायद ट्रेलर इसी साल देखने को मिल जाए बट गेम 2025 में देखने को मिले, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको गेम इस साल देखने को नहीं मिलेगी, आपको ट्रेलर इस साल देखने को मिल जाएगा बट गेम आपको 2023 में देखने को मिलेगी। तो देखो भाई पॉसिबिलिटीज अनेक है, बट इतना तो मैं आपको श्योरली बोल सकता हूं कि GTA 6 का ट्रेलर पक्का आने वाला है एंड 1-2 साल पहले ही आ जाएगा गेम लॉन्च से GTA 6 का ट्रेलर। एंड GTA 6 का जब ट्रेलर आएगा उसमें जो उसके मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं वो भी रिवील हो जाएंगे एंड ऐसा बोला जा रहा है कि गेम वाई सिटी में बेस्ड होने वाली है, वो चीज भी क्लियर हो जाएगी कि गेम वाई सिटी में बेस्ड है या नहीं है, क्योंकि GTA 5 का जो ट्रेलर था उसमें हमें सिंपली पता चल गया था कि जो GTA 5 है वो लॉस सैंटोस में बेस्ड है। तो देखते हैं अब GTA 6 में ऐसा होता है या नहीं होता है।
सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो यार एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, 44,000 सब्सक्राइबर्स को करवा ही देना। एंड मेरी वीडियो में 3-3 दिन का गैप इसलिए आ रहा है एंड इनकंसिस्टेंसी इसलिए बन रही है क्योंकि अभी मेरे सेप्टेम्बर के एग्जाम्स है कुछ ही दिनों बाद, एंड वो एग्जाम्स ऑफलाइन होने हैं एंड कुछ 90 and 100 नंबर के होने हैं, तो भाई हम उसको एज अ टेक इट लाइटली नहीं ले सकते हैं एंड इसलिए अभी वीडियो में आपको गैप्स देखने को मिल सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए क्षमा करें। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, पीस आउट एंड साइनिंग आउट। सारे